नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे सीबीडी स्टोन्स की लैप्रोस्कोपिक मैनेजमेंट के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा कि पेशेंट्स को जिनको गॉलब्लैडर स्टोन्स है, उनका स्टोन स्लिप होकर आगे मेन पाइप, जिसे हम सीबीडी के नाम से जानते हैं, उसमें आ जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि इन्हें पहले ERCP यानी कि मुँह के राही एक कैमरा डालकर इन स्टोन्स को निकलवाना पड़ेगा और उसके बाद ही गॉलब्लैडर की सर्जरी हो। इस ERCP में फ़ायदा यह है कि CBD के ऊपर कोई कट नहीं लगता और नीचे से ही स्टोन्स निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि एक प्रोसीजर पहले ERCP होगा, उसके लिए पेशेंट को बेहोश करना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप सेकेंड प्रोसीजर के लिए जाएंगे। अगर स्टोन्स का साइज ज़्यादा हो या बहुत सारे स्टोन्स हो तो एट टाइम्स ERCP में सभी स्टोन्स नहीं निकल पाते और रिपीट ERCP की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर बाद में भी लैप्रोस्कोपिक CBD एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। लैप्रोस्कोपिक CBD एक्सप्लोरेशन एक दूसरा तरीका है, यानी कि जिस तरह हम दूरबीन से गॉलब्लैडर की सर्जरी करते हैं, उसी कट से, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट से हम CBD के स्टोन भी उसी सर्जरी के दौरान ही निकाल सकते हैं। CBD के ऊपर एक छोटा सा कट लगाकर या सिस्टिक डक्ट, यानी कि जो गॉलब्लैडर का डक्ट है, उसके अंदर से जाकर हम इन स्टोन्स को निकाल सकते हैं और उसके बाद इन्हें क्लिप से या सूचर से बंद कर सकते हैं। इसके एडवांटेज यही है कि सबसे पहले तो एक ही प्रोसीजर करवाना पड़ता है, दूसरा अगर स्टोन्स मल्टीपल हों या बड़े हों तब भी हम उन्हें निकाल सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि CBD में कोई रेजिडुअल स्टोन रह ना जाए। सो अगर आप या आपके आसपास किसी पेशेंट को CBD स्टोन्स है तो एक बार अपने डॉक्टर से मिलिए, अगर वो ये प्रोसीजर कर सकते हैं तो इसे भी कंसीडर कीजिए। हो सकता है कि आपको दो प्रोसीजर्स के अलावा जस्ट एक प्रोसीजर में ही ये सारा काम बन जाए।